सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 30 रुपये। दोस्तों चलिए इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो इस सिरप में आपको 5 ml में आइवरमेक्टिन 1.5 mg तथा अल्बेंडाजोल 200 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है बैंडी प्लस सस्पेंशन। यह सिरप मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा पेट के कीड़े मारने का मेडिसिन माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में पेट के कीड़े मारने के लिए प्रयोग करते हैं। बच्चे में खुजली और शरीर पर लाल चकत्ते निकल गया हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। बच्चे में फाइलेरिया हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। परजीवी संक्रमण या पेट में फीता कृमि हो उसको मारने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बच्चे के हाथों में संक्रमण हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में उसके वजन के हिसाब से करते हैं। यदि आपके बच्चे का वजन 8 से लेकर 12 केजी के आसपास हो तो उसे यह सिरप 5 ml सोते समय दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों यह सिरप आप अपने बच्चों में कम से कम 3 दिन तक प्रयोग करें। चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। बुखार आ सकता है, चेहरे पर सूजन हो सकती है, सिर दर्द करने लगता है, उल्टी या मतली हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, दवा का रिएक्शन होता हो, कम दिखाई देता हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।